नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्डर्ड बेसिस की, कि हमारे पास में हम ऑर्डर्ड बेसिस किसे कहते हैं। अब तक हम बेसिस से रिलेटेड क्या चीज़ें डिस्कस करते आए हैं, हमारे पास बेसिस का मतलब क्या होता है। सपोज हमारे पास में वैक्टर स्पेस है कोई भी ओवर अ फील्ड एफ, उसका हम कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं S। उस सबसेट को हम V की बेसिस कब कहते हैं, जब हमारे पास में S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है एंड V इज इक्वल टू LS, यानी कि V के हर एक एलिमेंट को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S लिख सकते हैं। तो इस तरह की सेट को हम बेसिस बोलते हैं V की। और हम अब तक ये भी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं अलग अलग थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ और रिजल्ट्स के द्वारा, कि हमारे पास में एक बेसिस जो है उससे ज़्यादा बेसिस भी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी एक बेसिस से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकती है वेक्टर स्पेस की। सपोज हमारे पास में एक एस डैश भी हमें ऐसा सेट मिल जाता है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और V इज इक्वल टू एल एस डैश आ जाता है, तो एस डैश जो है वो भी V की बेसिस बन जाती है। लेकिन हमारे पास में कंडीशन क्या रहती है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि अगर S के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं तो एस डैश के अंदर भी तीन ही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एस डैश के अंदर दो या फिर चार एलिमेंट्स हैं तो वो उसकी बेसिस नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे पास में कोई भी सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ V। ये थ्योरम भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ऑर्डर्ड बेसिस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ और फिर उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो लिख के बताऊंगी। अगर हम लेते हैं वेक्टर स्पेस यानी कि आर क्यूब, और जो फील्ड होता है हमारा वो होता है आर, तो यहाँ पर आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है। ई वन इज इक्वल टू 100, ई टू इज इक्वल टू 010 और ई थ्री इज इक्वल टू 001, ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली बेसिस को E1, E2, E3 ऐसे लिख सकते हैं या फिर E1, E3, E2 ऐसे भी लिख सकते हैं, E3, E2, E1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं इनको आगे पीछे करते हुए बेसिस के एलिमेंट्स को। लेकिन अगर हमारे पास में इनका ऑर्डर जो है वो फिक्स हो जाए, यानी कि फर्स्ट प्लेस पर यही आएगा, सेकंड प्लेस पर यही आएगा और थर्ड प्लेस पर यही आएगा, और अगर हम इनके ऑर्डर्स को आगे पीछे कर देते हैं तो वो जो नई सेट आ रही है वो बेसिस नहीं रहेगी। तो एक ऐसी बेसिस जहाँ पर हमारे पास में ऑर्डर एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं बल्कि वो फिक्स हो जाता है, तो इस तरह की बेसिस को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है फॉर्मल डेफिनेशन वो लिख के बताते हैं आपको। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एन ऑर्डर्ड बेसिस, एन ऑर्डर्ड बेसिस एस of a vector space V over F is a basis with a fixed ordering of the elements of S। हमारे पास में V जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, एंड ऑर्डर्ड बेसिस S ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज अ बेसिस विद अ फिक्स्ड ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। एक ऐसी बेसिस S V की जहाँ पर हमारे पास में
एस के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फिक्स है, यानी कि अगर हमारे पास में ए वन ए टू ए थ्री ए फोर जो है वो एस के एलिमेंट्स हैं ऑर्डर बेसिस के अंदर, तो हमारे पास में इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमें ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इनको फिक्स ऑर्डर लेते हुए ही आगे प्रोसीड करना होगा। तो इस तरह की बेसिस को हम बोलते हैं ऑर्डर बेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ वी। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ वी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।